भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर रविवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पुलवामा में आतंकवादी घटना में शहीद हुए सभी अमर शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध संकल्प लेने के लिए और पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज यहां इकट्ठा हुई है। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जनार्दन तिवारी, राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्या पांडे, रंजना गुप्ता, सत्येंद्र सिन्हा, जितेंद्र सैनी, राजेश निषाद सहित भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा, मीडिया प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आतंकवाद के विरुद्ध संकल्प लेने के लिए और पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज पूज्य महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुई है और हम सब आज यहां आतंकवाद के विरुद्ध संकल्प लेंगे और उन महान शहीदों के श्रीचरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। पाकिस्तान का क्या उपाय क्या है? पाकिस्तान का क्या उपाय से क्या? देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा योग्य प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर इस सीआरपीएफ जवानों के साथ जो कुछ हुआ, भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य करेगा।